हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट बॉल फैंटेसी। तो यहाँ से फुटबॉल में बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला कवर करेंगे, जिसमें एटलेटिको का सामना होगा जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के खिलाफ। तो दोनों टीमों का रिसेंट रिकॉर्ड किस तरह का है, पॉइंट्स टेबल में पोजीशन क्या है, और कौन सी टीम यहाँ से ज़्यादा मजबूत नजर आ रही है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट हैशटैग गोल कौन करेगा, और प्लेइंग इलेवन आपको यहाँ से डिस्कस की जाएगी। जहाँ तक बात करूँ फ्रेंड्स दोनों टीमों के प्रदर्शन की, उससे पहले जुड़ सकते हैं आप टेलीग्राम पे, टेलीग्राम बिल्कुल फ्री है, आप यहाँ पे जुड़िए। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको टीम की विनिंग बताऊँ, वो विनिंग आप पहले देख लीजिए। न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच था अभी, अगर आपने देखा होगा तो फ्रेंड्स इसमें भी हमारी विनिंग वन साइडेड हुई है। टेलीग्राम पर टीम अपडेट कर दी गई थी, और उससे अवेलेबल आप फ्रेंड्स फुटबॉल का मैच था, फायर नोट का मैच था, उसमें आप देखेंगे तो ग्रैंड लीग की टीम बनी थी, लेकिन मैं कॉन्टेस्ट टू वाला ज्वाइन नहीं कर पाया था। लेकिन फ्रेंड्स जो कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया उसमें मेरा रैंक यहाँ पे एक देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स कितने शानदार यहाँ से टीम प्रोवाइड की जाती है, यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो लास्ट बॉल फैंटेसी इसी तरह से टाइप करें और यहाँ पे जुड़ जाए। बात कर लेते हैं जल्दी से ड्रीम इलेवन में, तो उससे पहले देख लेते हैं टीम का प्रदर्शन किस तरह का रहा है। यहाँ तक बात करूँ फ्रेंड्स पॉइंट्स टेबल में, तो एटलेटिको की टीम टॉप ऑफ द टेबल आने के लिए फ्रेंड्स पूरी तरह से यहाँ से ट्राई करेगी। तो फ्रेंड्स एथलेटिको की टीम के लिए प्रदर्शन की बात करूँ तो फ्रेंड्स यहाँ से दूसरी तरफ जो टीम है हमारी जमशेदपुर फुटबॉल क्लब, इतना अच्छा प्रदर्शन इनका रहा नहीं है। तो फ्रेंड्स इस वक्त पॉइंट्स टेबल में फ्रेंड्स टॉप फोर से बाहर हो चुके हैं। तो जमशेदपुर फुटबॉल क्लब इतना अच्छा यहाँ से प्रदर्शन नहीं कर पा रही है, लेकिन एथलेटिको की टीम काफ़ी मजबूत है। तो एथलेटिको की टीम से आप 7 प्लेयर ले सकते हैं, जमशेदपुर की टीम से आप यहाँ से 4 प्लेयर ले सकते हैं। बाकी यहाँ से हैशटैग गोल कौन करेगा, सर्गियो जमशेदपुर का, जमशेदपुर के लिए सर्गियो कास्टल फ्रेंड्स 7 गोल कर चुके हैं पूरे टूर्नामेंट में, बहुत बढ़िया इनका सेंट पर कर रहा है। पूरी टीम फ्रेंड्स इनके ऊपर डिपेंड करती है, जिस दिन कास्टल गोल करते उसी दिन जमशेदपुर फुटबॉल क्लब की यहाँ से विनिंग होती है। और फ्रेंड्स मैं बताऊँ तो आज के मैच के लिए रॉय कृष्णा 8 गोल कर चुके पूरा टूर्नामेंट में, विलियम्स फ्रेंड्स 5 गोल, दोनों प्लेयर आपको मिलेंगे आपको स्ट्राइकर के सेक्शन में। गार्सिया को भी आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स यहाँ से बताऊँ तो प्लेइंग इलेवन, तो आप फ्रेंड्स यहाँ से की प्लेयर नोट कर दीजिए, मार्टिनेज, कृष्णा, विलियम्स। फ्रेंड्स हर किसी की टीम में आपको आप यहाँ से कैप्टन मार्टिनेज, ये आपको हर किसी की टीम में आप यहाँ से कैप्टन और वाइस कैप्टन दिखेंगे। लेकिन हम यहाँ से ग्रैंड लीग की अनएक्सपेक्टेड टीम क्रिएट करेंगे, उसका भी मैं आपको प्रीव्यू बताऊंगा। अभी बाकी आप यहाँ से ड्रीम इलेवन में प्रेडिक्टेड लाइनअप का यहाँ से देख सकते हैं, और अपनी टीम भी ड्रीम इलेवन में क्रिएट कर सकते हैं। बाकी यहाँ से जल्द से बता देता हूँ आपको प्लेइंग इलेवन में, तो भट्टाचार्य को लिया हूँ, ए भट्टाचार्य को यहाँ से फ्रेंड्स बताऊँ तो आपको गोलकीपर लिया हूँ एथलेटिको के लिए। डिफेंडर की बात करूँ तो फ्रेंड्स ए गार्सिया को लिया हूँ, कोतायल को लिया हूँ, पी दास को लिया हूँ, और फ्रेंड्स यहाँ से राठी को ड्रॉप किया हूँ। और फ्रेंड्स अपनी टीम में यहाँ से 3 डिफेंडर लेके चलाऊँ, क्योंकि फ्रेंड्स दोनों टीम की तरफ से काफ़ी गोल हो सकते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ से माइनस लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। बाकी फ्रेंड्स मिडफील्ड की बात करूँ तो फ्रेंड ई गार्सिया को लिया हूँ, मौरा को लिया हूँ, जावी हर्नांडिस को रखा हूँ, और फ्रेंड्स यहाँ से बात करूँ तो अकोस्टा को रखा हूँ। अकोस्टा फ्रेंड्स यहाँ से अच्छी ऑप्शन बन सकती है। बाकी फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ से कोई खास ऑप्शन बचती नहीं है। ए मोनोरॉय फ्रेंड्स बहुत बढ़िया ऑप्शन बचती है, तो ग्रैंड लीग में आप इनको ट्राई कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स काफ़ी लोग इनके साथ दिए तो मैं इनको ड्रॉप कर रहा हूँ। हालांकि फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ से बताऊँ तो फ्रेंड्स अकोस्टा की जगह मैं यहाँ से आसानी से फ्रेंड्स मोनोरॉय को अपनी टीम में ले सकता हूँ। स्ट्राइकर के सेक्शन में हमारे पास 3 स्ट्राइकर, कास्टल, चौधरी, और फ्रेंड्स आपको बताऊँ तो रॉय कृष्णा। फ्रेंड्स यहाँ से बताऊँ तो एफ चौधरी थोड़े से रिस्की ऑप्शन है, तो एफ चौधरी की जगह फ्रेंड्स आप यहाँ से ट्राई कर सकते हैं अपनी टीम में अकोस्टा को। तो फ्रेंड्स हमारी टीम पूरी बहुत शानदार टीम बनी है। फ्रेंड्स वीडियो को जल्दी से लाइक करते हैं, और फ्रेंड्स यहाँ से मोटिवेशन मिलता है, 1 लाइक फॉर 1 मोटिवेशन है। फ्रेंड्स मेरी ये फाइनल टीम है, आप इस टीम के साथ ग्रैंड लीग को छोड़ के फ्रेंड्स मिनी ग्रैंड लीग हेड टू हेड और 3-4 मेंबर में खेल सकते हैं। ग्रैंड लीग की ऑफिशियल टीम रहेगी वो फ्रेंड्स मैं टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा। टेलीग्राम एक बार फिर से बता देता हूँ, लास्ट बॉल फैंटेसी टाइप करें और फ्रेंड्स यहाँ पे जुड़ जाए आप। फ्रेंड्स मैं बता दूँ आपको यहाँ से तो काफ़ी सारी विनिंग है, विनिंग के प्रूफ आप यहाँ पे देख सकते हैं। जल्दी से चैनल पे आइए और फ्रेंड्स यहाँ पे फाइनल टीम अपडेट कर दी जाती है। लास्ट बॉल फैंटेसी टाइप करना, जिस तरह से यहाँ चैनल का लोगो देख ले और यहाँ पे पहुँच जाए। बाकी फ्रेंड्स यहाँ से ऑफिशियल फ्रेंड चेंज रहता है, तो ग्रैंड लीग की टीम फ्रेंड्स वो टेलीग्राम पे अपडेट करने वाला हूँ। बाकी इसी टीम के साथ आप हेड टू हेड और 3-4 मेंबर की लीग में जा सकते हो। फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।